अभी हिसाब से देखो, ये यहाँ से उठाना है, यहाँ से देखो, ये जो मैं बताया था पॉलीथीन के ऊपर रखना है, और यहाँ से उठा के सिर्फ ऐसा डायरेक्ट वहाँ फेंक देना है, और उसके बाद देखो कैसा फूल रहा है। ये है बिल्कुल एकदम आसान और सरल तरीका है। ये हिसाब से देखो, कभी भी आप लोग, मैं पहले भी बताऊँ कि आप लोग ऐसा पॉलीथीन के ऊपर रखो ताकि एकदम परफेक्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आप भी बनाना चाहते हैं 10 रुपए में पानी पूरी अपने पूरे परिवार के लिए? तो ये वीडियो देखो, ये हमारा पानी पूरी कैसा बना है, एकदम क्रिस्पी क्रंची, आप लोग देख सकते हैं। ये इसका ये देखो, ये कितना बढ़िया है, ये देखो, सिर्फ टच करे बस। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं पानी पूरी पानी पतासा बनाना, तो ये वीडियो बहुत खास बहुत जबरदस्त। आज का देखो, आज मैं सिर्फ सूजी से बनाऊंगा। ये आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ 10 रुपए की सूजी से मैं बनाऊंगा ये। और ये हमारा गिलास, ये सिर्फ नापने के लिए हमारा गिलास है। और ये हमारा देखो, ये खाने का सोडा, सिर्फ इससे ही बनाऊंगा। और देखो बनेगा कैसे वो भी बताऊंगा। सबसे पहले हम इसको नाप लेंगे ताकि एकदम परफेक्ट नाप रहे। और जब ये आपका परफेक्ट नाप रहेगा ना, तो आपका बिल्कुल एकदम परफेक्ट ही बनेगा। ये हमारा सूजी है, और ये ना ज़्यादा मोटा है और ना ज़्यादा ये बारीक है, बिल्कुल एकदम मीडियम सूजी है। एक गिलास, उसके बाद एक गिलास के बाद आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा सब मिला के सवा दो गिलास ही पकड़ो। ये हमारा 2 गिलास सूजी है, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे अपना खाने का सोडा, बिल्कुल हल्का सा, ये खाने का सोडा थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। जो लोग भी सोच रहे हैं ना कि मतलब, बहुत लोग फोन करते हैं कि मतलब देखो मेरा नहीं बन रहा है, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा सूजी जो है ना, ये देख सकते हैं आप लोग, ये ना ज़्यादा मोटा है और ना ज़्यादा बारीक है, एकदम बिल्कुल मीडियम सूजी है ये। उसके बाद ये सोडा मिला लिए बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद अब बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी लेना है और उसी से आटा लगा लेना है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी से, ये हिसाब से इसका आटा लगा लेना है। और मैं पहले भी बताया हूँ, कभी भी इसमें जब पानी डालो, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालो, ताकि ये ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा टाइट हो। अगर थोड़ा भी नरम हुआ तो भी ख़राब हो जाएगा, अगर टाइट हुआ तो भी। इससे अच्छा बिल्कुल एकदम नॉर्मल पानी और बिल्कुल हल्का हल्का पानी डाल के थोड़ा थोड़ा ऐसे आटा लगा लेना इसका, ये हिसाब से। ये है हमारा तरीका, आप लोग देख सकते हैं। अगर जो लोग भी सोच रहे हैं घर बैठे सीखना, मेरे भाई यार, मेरे दोस्त, मेरे माताएं बहनें, उनके लिए बहुत खास और बहुत ज़बरदस्त होगा। आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा आटा लगाने का तरीका। ये देखो, ये हमारा आटा लग के होने वाला है रेडी। और ये देखो, ये ना ज़्यादा नरम है और ना ज़्यादा टाइट है, बिल्कुल एकदम मीडियम आटा है। ये हिसाब से हम इसका आटा लगा के रेडी कर लेंगे। उसके बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा जो सूजी एकदम बढ़िया मस्त गल जाए बढ़िया से। उसके बाद हम इसका पेड़ा बनाएंगे, बिल्कुल एकदम जैसा मैं बनाता हूँ सेम वैसा ही बता रहा हूँ, ताकि आप लोग भी बिल्कुल घर बैठे बहुत आसानी से बना लें। ये हो गया हमारा आटा लग के रेडी। अब इसको हम भर के छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि बढ़िया हमारा सूजी जो है गल जाए। ये हो गया हमारा रेडी। एक से डेढ़ मिनट में आटा लगा लेना है बस। इसको ज़्यादा देर तक मसलना नहीं, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना। कभी भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका आटा लगा के रख देना है। अब देखो, ये थोड़ी देर रखने के बाद हम इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल के थोड़ा सा मसल लेंगे हल्का सा। अब ये इसको निकालेंगे बाहर, अब इसको हम हल्का सा मसल लेंगे, आप लोग देख सकते हैं। ताकि अब पहले जब देखो आटा कितना नरम था, अब थोड़ा सा टाइट हो गया। ये अब ये हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा मसल लेंगे, ताकि हमारा आटा अच्छा साफ हो जाए। उसके बाद हम इसका बनाएंगे पेड़ा, ये हिसाब से। और कभी भी आप लोग भी क्या करें, कभी भी ये नहीं कि मतलब इसको बहुत देर तक मसलना है, ऐसा कुछ नहीं। 1 से 1.5 मिनट बहुत हो गया। ये हिसाब से देखो, अब इसको हम मसल के
उसके बाद अभी इसका हम बना लेंगे पेड़ा। अभी एक मिनट भी नहीं हुआ, आप लोग देख सकते हैं एक मिनट नहीं हुआ है अभी। अब इसको हम देखो, ये थोड़ा सा लंबा करके इसका हम पेड़ा बना लेंगे इस हिसाब से, ताकि हमारा पेड़ा बनाने के लिए सबसे पहले देखो, पेड़ा जब बनाएंगे उससे पहले हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबा किए, लंबा करने के बाद इसको हम दबा दिए, और उसके बाद अब इसको देखो हम ये हिसाब से कट कर लेंगे। कट करने से फायदा ये होगा कि जब हम पेड़ा बनाएंगे इसका तो एकदम परफेक्ट ही पेड़ा बनेगा। और उससे पेड़ा बनाने से पहले देखो, जो पॉलिथीन में हम रखे थे उसमें वापस फिर ऐसा ही रख देंगे, ताकि ये सूखे बिल्कुल ना, अगर थोड़ा भी सूखा ना तो ये समझ जाओ खराब हो जाएगा। उससे अच्छा कभी भी इसको पॉलिथीन से बाहर बिल्कुल ना करें कभी भी। अब ये हिसाब से देखो, हम ये इसको लंबा कर लिए, उसके बाद लंबा करने के बाद अब इसका कटिंग कैसा करना है ये हिसाब से, अब इसका आप लोग साइज चेक कर सकते हैं। ये है जो साइज, ये हिसाब से ही बनाना है इसका पेड़ा। पेड़ा बनाने के बाद ये जो हमारी गोली है इसके अंदर क्या मिलाना है वो भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से बना पाए घर बैठे। अब ये हिसाब से हम पहले इसका पेड़ा बना लेंगे। अब ये हमारा पेड़ा आप लोग देख सकते हैं, हमारा पेड़ा बन के हो गया है एकदम परफेक्ट रेडी। अब इसका आप लोग सबसे पहले साइज चेक करो, ये साइज देखो कैसा है, और ऐसा ही बनाना है आप लोगों को कभी भी, कि जब आपका साइज एक साइज दिखेगा बनेगा तो आपका पूरी जब फ्राई करेंगे, फ्राई होने के बाद भी एक साइज का ही निकलेगा, इस बात का बिल्कुल ध्यान देना कभी भी। अभी हमारा पेड़ा हो गया परफेक्ट रेडी। और आप एक चीज़ का ध्यान देना कभी भी कि देखो, शुरू से जब आटा लगाए हैं जब से, अभी तक पॉलिथीन के अंदर ही है। हम जब इसको बेलेंगे ना, जब सिर्फ ये जाएगा बाहर, नहीं तो ये पॉलिथीन से बाहर कभी नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम देखो थोड़ा सा मारेंगे अपना, ये हमारा है, देखो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा गेहूं का आटा है। अभी इसको थोड़ा सा हम इसके अंदर मार देंगे, ये अभी देखो इसके अंदर थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है, उसके बाद ये हिसाब से बिल्कुल एकदम हल्के हल्के हाथों से मार देना है, बिल्कुल एकदम हल्के हाथों से, ताकि हमारा जो पेड़ा है ना अच्छा गोल हो जाए। और दूसरा इसमें कुछ रीजन नहीं है इसका, और इससे फायदा ये भी होगा कि आपका पानी पूरी ये जो पेड़ा है ये एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं, इसलिए हम लोग इसको ये हिसाब से मार देते हैं ताकि हमारा चिपके ना। अब ये हो गया हमारा, आप लोग देख सकते हैं पेड़ा एकदम परफेक्ट बन के रेडी। अब देखेंगे तो ये दिखेगा कि हाँ सही है, ये देखो ये हमारा कैसा एकदम परफेक्ट रेडी हुआ। ये हिसाब से ही बनाए, और घर बैठे बहुत आसानी से ही बना लेंगे जो ये हिसाब से ये तरीके से बनाएंगे तो। अब देखो ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तरीका ना, कि मतलब आप लोग कभी भी ऐसा पॉलिथीन के ऊपर ही रखें ये हिसाब से, और कपड़े के ऊपर बिल्कुल गलती से भी ना रखें। हमारा तरीका आप लोग देख सकते हैं, हम लोग कैसे बेल के रखते हैं, वो भी ये हिसाब से बिल्कुल एकदम एक साइज का बेलो, ताकि एकदम एक साइज का रहे। जब आप लोग एक साइज का बेलेंगे ना तो आपका पानी पूरी गोलगप्पा भी एक साइज का ही बनेगा कभी भी। जब साइज अगर देखो, मैं शुरू से बता रहा हूँ कि आप लोग जब इसका पेड़ा बनाओ, जब से ध्यान देना है कि मतलब हाँ पेड़ा हमारा जो है लोई और गोली, जब इसका लोई ये जब एक बरोबर रहेगा, ये जब एक इसका साइज एक बरोबर रहेगा तो आपका ये भी इसका साइज भी एक बरोबर ही रहेगा। जब इसका साइज एक बरोबर रहेगा तो आपका पानी पूरी गोलगप्पा जब बनेगा फ्राई होने के बाद, तब उसका साइज भी एक साइज रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी कि आप लोग कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कि एक साइज का ही बने, और बेलने पे बिल्कुल एकदम ध्यान देना है कि मतलब एक साइज का एक बरोबर ही बेलना कभी भी। ये नहीं कि मतलब मोटा पतला बेल दिए, जब अगर मोटा पतला भी हुआ तो खराब हो जाएगा, फिर बनेगा क्या पपड़ी। इस ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना कभी भी कि मतलब एक साइज का ही बेलें। जब एक साइज का आप बेलेंगे
तो आपका हर चीज एक साइज का ही बनेगा। अगर मोटा पतला हुआ तो समझ जाओ खराब होने का पूरा फुल चांस हो जाएगा। इसलिए कभी भी ध्यान से करो ताकि एकदम परफेक्ट और जबरदस्त बने। अब देखो रखने के बाद ये हमारा हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब ये हिसाब से देखो, ये हिसाब से इसको ढक देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं, और इसको इतना अच्छे से ढक के रखना है ना कि इसमें हवा बिल्कुल ना लगे। और ये हिसाब से बेल के रखने के बाद कम से कम इसको आधा से पौना घंटा 40 से 45 मिनट कम से कम छोड़ देना है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को अभी फ्राई करके दिखाऊंगा कि हाँ ये बनता कैसे और बन कैसे रहा, आप लोग खुद बताना इस चीज़ को। अब देखो ये हमारा पानी पूरी फ्राई होना शुरू हो गया, आप लोग देख सकते हैं, देखो कैसा फूल रहा है। और इसलिए मैं कहता हूँ ना कि आप लोग ये हिसाब से अगर करेंगे तो आपका भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त ही बनेगा। अब ये हिसाब से देखो, ये यहाँ से उठाना है, यहाँ से देखो ये जो मैं बताया था पॉलीथीन के ऊपर रखना है, और यहाँ से उठा के सिर्फ ऐसा डायरेक्ट वहाँ फेंक देना है। और उसके बाद देखो कैसा फूल रहा है, ये है बिल्कुल एकदम आसान और सरल तरीका है। ये हिसाब से देखो, कभी भी आप लोग, मैं पहले भी बताऊँ कि आप लोग ऐसा पॉलीथीन के ऊपर रखो ताकि एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त बने आपका। देखो ये यहाँ से उठाना है और वहाँ से सीधा से फेंक देना है, ये है तरीका हमारा। और देखो ये हमारा हो गया ख़त्म ये, और उसके बाद इधर देखो जो हमारा फ्राई होके आ रहा है ये, अभी देखो ये आवाज़ सुनो इसका, ये कैसा है एकदम ज़बरदस्त, आप लोग देख सकते हैं। ये हिसाब से कभी भी अगर आप लोग बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त ही बनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ आप जब तक ये पॉलीथीन कैरी बैग पन्नी के ऊपर रखो और उसके बाद देखो इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, और देखो कैसा फूल रहा है एकदम ज़बरदस्त। ये अब ये हो गया हमारा फ्राई होके ख़त्म, आप देख सकते हैं। ये हिसाब से कभी भी अगर आप लोग बनाएंगे तो आपका भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट मेरे जैसा ही ज़बरदस्त बनेगा, बिल्कुल सरल और आसान तरीका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।